हेलो वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे स्लाइस के एक अपडेट की। स्लाइस में एक अपडेट आया है जिसकी मदद से आप नॉर्मली स्कैन एंड पे करके यहाँ पे पेमेंट कर पाओगे। तो इसी अपडेट के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स में जानकारी देने के लिए छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप स्लाइस में जाओगे तो यहाँ पे बीच में आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसके ऊपर अगर आप टैप करेंगे, लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे जैसे नॉर्मली आप फोन पे गूगल पे में अपना यूपीआई आईडी बनाते हो, वैसे यहाँ पे आप स्लाइस का यहाँ पे यूपीआई आईडी बना सकते हो। नॉर्मली आप अपना यूपीआई आईडी बनाओगे और उसी यूपीआई आईडी की मदद से आप नॉर्मली स्कैन एंड पे करके पेमेंट कर पाओगे। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो स्कैन एंड पे करके जो पेमेंट करोगे वो यहाँ पे आपके स्लाइस के लिमिट से यहाँ पे कट जाएगा, या फिर नॉर्मली आप किसी दुकान पे जाके शॉपिंग करोगे और यहाँ पे आपके स्लाइस के लिमिट से कट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसमें आप लोगों को यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा और वो पैसा अपने बैंक अकाउंट से यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे जैसे फोन पे की यूपीआई का एप्लीकेशन है, गूगल पे की यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है, या फिर अमेजोन पे ये यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है, उसी तरह यहाँ पे स्लाइस ने यहाँ पे अपना यूपीआई वाला अपडेट लाया है जिसकी मदद से आप स्कैन एंड पे करके अपने बैंक अकाउंट से पैसे कटा के यहाँ पे नॉर्मली किसी भी यहाँ पे मर्चेंट पे किसी भी यहाँ पे शॉप पे जाके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके। बस यही छोटा सा अपडेट आया था, इसी छोटे से अपडेट के लिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता, तो ऐसे वीडियोज पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।